नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। क्या 17 साल बाद भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगा? क्या साउथ अफ्रीका पहली दफा T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगा, यानी कि वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगा? ये जो है वो शाम 8 बजे मैच खेला जाएगा बारबाडोस के मैदान पर, जहां पर किंग कौन होगा, कौन जो है वो हार जाएगा, ये तो वहां पर पता चलेगा। लेकिन अब यहां पर पिच को लेकर राहुल द्रविड़ का जो बयान है वो सामने आ चुका है। जब इंग्लैंड के साथ मैच हुआ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जब तमाम सवाल किए गए फाइनल मैच को लेकर, तो उन्होंने भी कई सारी बातें कहीं। अब जब पिच को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि इस पिच पर हम पहले भी खेल चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ था, उसका नेशंस को हम पहचान गए थे, 181 रन वहां पर बने थे। तो यहां पर अगर 170 रन भी बनते तो आप 200 ही मान लीजिए, क्योंकि पिच स्लो है, जहां पर गेंदबाजी जो है वो टफ थोड़ी सी हो जाती है। यहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बल्लेबाजी करने में जो है वो काफी दिक्कतें होती है। स्टार्टिंग के जो 5 ओवर होते हैं, 6 ओवर होते हैं, वहां पर बल्लेबाज जो है वो काफी ज्यादा टैकल करते हैं। तो यहां पर राहुल द्रविड़ जो कोच है, उनका कहना है कि अगर आपने यहां पर 170 रन भी बना लिए तो वो 200 के पार माना जाएगा। और टीम इंडिया के पास प्लस पॉइंट यह है कि इस मैदान पर टीम इंडिया खेल चुकी है, यानी कि सुपर 8 में जो अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ, तो वहां पर टीम इंडिया अच्छी कंडीशंस में नजर आई थी, अच्छी टच में नजर आ रही थी, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत का बल्ला चला था। हालांकि रोहित शर्मा उस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन वहां पर बाकी के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, उनका बल्ला चला था। इस मैच में सबकी निगाहें होंगी विराट कोहली पर, किंग कोहली पर। क्या किंग कोहली एक बार फिर वो अवतार में नजर आएंगे? बहुत टाइम हो गया, 7 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ 75 रन है विराट कोहली के, जो कि यह दर्शाता है कि विराट काफी कंडीशन उनकी डिप हुई है, उनकी फॉर्म बहुत ज्यादा डिप हुई है। तो यहां पर विराट कोहली पर नजरें होंगी। इसके अलावा विराट जो है वो रबाडा के खिलाफ कई दफा आउट हुए हैं। अगर मैं बात करूं T20 वर्ल्ड कप की, तो 12 पारियों में 4 दफा यहां पर रबाडा ने उन्हें आउट किया है। तो नजरें होंगी रबाडा वर्सेस विराट कोहली, क्या विराट कोहली का बल्ला चलेगा। हालांकि दोनों, यानी कि रोहित शर्मा जो कैप्टन है टीम इंडिया के, इसके अलावा जो कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने भी रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर जो बयान दिया था, उनका कहना है कि देखिए जो कंडीशन, जो जिस तरीके की फॉर्म में विराट कोहली जिस तरीके से वो मोमेंटम स्टार्ट करते हैं, वो काफी अच्छा लगता है। और हर खिलाड़ी की फॉर्म डीप होती है, हर किसी का दिन वहां पर नहीं होता है। 15 साल से जो क्रिकेट खेल रहा है, उसे बखूबी पता होता है किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से पारी को बड़ी पारी में तब्दील करना है। तो विराट कोहली जो है वो अपने आप में एक अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन जो फॉर्म है वो हमेशा हर खिलाड़ी की एक जैसी नहीं होती है, उतार चढ़ाव वहां पर लगा होता है। तो यहां पर कोच और कप्तान ने कहा था कि फाइनल के लिए उन्होंने बचा कर रखा है रन्स, क्या फाइनल मैच में विराट कोहली का बल्ला चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर बात करूं यहां पर टीम इंडिया की कंडीशंस की, तो टीम इंडिया जो है वो लगातार सारे मैचेस जीत कर आ रही है। साउथ अफ्रीका की टीम भी लगातार सारे मैचेस जीत कर आ रही है। अगर यहां पर साउथ अफ्रीका की बात करें, तो लगातार 8 मैचेस जीत कर आ रही है। यानी कि अगर दोनों टीमें, यानी कि दोनों में से कोई एक ये मुकाबला जीतता है, तो यहां पर इतिहास रच जाएगा, जो कि ये टीम जो है वो लगातार मैचेस जीतकर ट्रॉफी भी जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। यानी कि साउथ अफ्रीका टीम अगर यहां पर जीतती है, 8 मैचेस जीतकर वो आ रही है, अगर वो ट्रॉफी जीतती है, यानी कि फाइनल मैच जीतती है, तो इतिहास रच जाएगा यहां पर कि जो लगातार सारे मैचेस जीत के आने के बाद भी ट्रॉफी जीत गई। वहीं टीम इंडिया की बात करें, तो टीम इंडिया भी लगातार अपने सारे मैचेस जीत कर आ रही है, 7 मुकाबले जीती है। एक मैच जो कनाडा के साथ था, बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था, वहां पर बस देखा जाए तो टीम इंडिया अगर यहां पर जीतती है मैच, तो वो भी पहली ऐसी टीम बन जाएगी जो कि लगातार सारे मैचेस जीतकर आ रही है। अब देखिए नजरें यहां पर होंगी जस्सी पर, अर्शदीप पर, क्या यहां पर विकेट्स मिलेंगी उन्हें, क्या पावर प्ले के दौरान, क्या पहले ओवर में अर्शदीप जो है वो विकेट चटका पाएंगे। ये सवाल बड़ा इसलिए क्योंकि बारबाडोस की जो पिच है वो तेज गेंदबाजों के फेवर में रही है। हालांकि न्यूयॉर्क में जितने मैचेस खेले गए, तो वहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला था, लेकिन बारबाडोस के मैदान पर ब्रिजटाउन का जो स्टेडियम है, वहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की, तो साउथ अफ्रीका की टीम गेंदबाजी काफी अच्छी है, लेकिन टीम इंडिया की बात करें, तो टीम इंडिया के बैट्समैन भी फॉर्म में आ गए, सिर्फ और सिर्फ शिवम दुबे और विराट कोहली की फॉर्म जो है वो अच्छी नहीं है। हालांकि इस मैच में नजरें होंगी दोनों खिलाड़ियों पर, क्या यहां पर विराट का बल्ला चलेगा, क्या पर शिवम दुबे जो मिडिल ऑर्डर्स में आके पारी को बड़ी पारी में तब्दील करते हैं, वो बल्ला शिवम दुबे का चलेगा या नहीं चलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निगाहें यहां पर ट्रॉफी पर होंगी, क्योंकि साल 2023 में हम फाइनल में पहुंचे थे, वहां से ट्रॉफी नहीं मिल पाई थी, लेकिन साल 2007 जो कि एमएस धोनी वहां पर कप्तान थे, ट्रॉफी दिलाई थी। और साल 2007 T20 वर्ल्ड कप अभी तक जो है वो रोहित शर्मा खेलते नजर आए हैं, साल 2007 से लेकर 2024 तक, वो सपना क्या रोहित शर्मा पूरा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि भी खबर मिस ना होने पाए।